हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीप सिंह है। आज मैं आपके लिए ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के व्यू लाया हूँ। इसमें आपको क्या होगा, एक आइसोमेट्रिक व्यू मिलेगा जिसके द्वारा हमें क्या बनाना होगा, एक ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन बनानी पड़ेंगे। ठीक है, ये ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन आप मोस्टली हम दो चीज़ों में, दो एंगल में बनाते हैं, फर्स्ट एंगल में और एक थर्ड एंगल में। तो आप, यदि आपको दिया होगा क्वेश्चन पेपर में कि इसका फर्स्ट एंगल में बनाइए, तो आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, आपको वैसे ये जो डायग्राम दिया है मैंने फ्री हैंड बनाने के लिए दिया है, क्योंकि जो आप बंदा फ्री हैंड बना सकता है वो आप डायमेंशन लेकर भी बना सकता है, क्योंकि आपको इसमें फेस देखने होते हैं कि फ्रंट से क्या फेस दिखता है, टॉप से कौन सा फेस दिखना है और साइड से कौन सा फेस दिखना है। तो इसमें जब आप सबसे पहले काम क्या करना होता है इसमें, कि आप कौन सा एंगल बनाना चाहते हैं। यदि आप क्वेश्चन में दिया है कि फर्स्ट एंगल में बनाना है तो फर्स्ट एंगल में बनाना पड़ेगा, थर्ड में दिया है तो थर्ड में। तो पहले मान लिया, चॉइस कर लेते हैं कि फर्स्ट एंगल में दिया गया है, तो फर्स्ट एंगल में बनाने के लिए आप ये नहीं कि आप पहले फर्स्ट एंगल में बनाना चालू कर दें। सबसे पहले आपको देखना है कि फ्रंट इधर से दिया हुआ है, जहाँ से तीर का निशान लगा रहता है वहाँ फ्रंट दिया जाता है। तो आपको यहाँ से फ्रंट दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको लिखना है फ्रंट के नीचे हमेशा क्या बनता है, फर्स्ट एंगल में टॉप बनता है। इसके बाद हमें ये देखना पड़ता है कि इसमें कौन सा साइड व्यू हमें क्लियर दिख रहा है। यदि उसमें नहीं दिया है कि भाई लेफ्ट हैंड साइड व्यू बनाना है, राइट हैंड साइड व्यू बनाना है, तो आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं जो आपको साइड व्यू दिख रहा है। तो आप जब इधर की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड इधर होगा और राइट हैंड इधर होगा। तो लेफ्ट हैंड इधर होगा तो ये आपका कौन सा साइड व्यू दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड व्यू। तो फर्स्ट एंगल में होता क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड व्यू हमें दिखेगा वो हमें बनाना होता है फ्रंट के राइट की तरफ। बनाना तो हमने लेफ्ट हैंड साइड व्यू पर, बनेगा किधर की तरफ, राइट की तरफ। और जो टॉप होगा वो फ्रंट के नीचे होता है। टॉप के दाएं बाएं कभी भी कुछ नहीं बनाते, इस बात का ध्यान रखें। जो साइड व्यू होता है वो फ्रंट के दाएं या बाएं जाता है, फर्स्ट एंगल में भी और थर्ड एंगल में भी। तो फर्स्ट एंगल में पहले बनाना है फ्रंट बनाना है। फ्रंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखना यह है कि आपको ये जहां से तीर का निशान लगना है इसमें यहां से कौन कौन से फेस दिखने हैं। अब इसमें आपको देखना है यहाँ से कौन कौन सा, जब आप इधर से देखेंगे तो जिसको इस डायरेक्शन में जो क्रॉस कर रहा है फेस, वो कौन कौन से, एक तो ये वाला फेस है, इसको मैं छायांकित कर रहा हूँ। एक ये वाला फेस दिखेगा और एक ये वाला फेस दिखेगा। इसके अलावा आप जब इधर से देखोगे तो कोई भी ऐसा फेस नहीं दिखेगा इसके अलावा जो ये है, इस फ्रंट से कोई भी फेस आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये फेस जो है जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं उस डायरेक्शन में ही लेटे हुए हैं। तो जब आपको ये पता चल गया कि आपको कौन कौन से फेस दिख रहे हैं, तो आपको बस आपको ये बनाना चालू कर दिया। ये फ्री हैंड है तो आपको फ्री हैंड ही बनाना है, जैसे कि फ्रंट बनाना है। फ्रंट के लिए सबसे पहले ये वाला फेस आएगा, तो इस प्रकार से बना देते हैं। आपको ये नहीं है कि आपको तिरछा करके बनाना है, आपको सीधा करके बनाना है। यदि ये वाली लाइन कहाँ है, हॉरिजॉन्टल में है, तो आपको ये हॉरिजॉन्टल बनानी है। ये वाली लाइन वर्टिकल है तो आपको वर्टिकल बनानी है। इसके बाद आपको इस लाइन के जस्ट ऊपर कौन सा फेस दिख रहा है, ये वाला फेस, तो आपको बस आपको कॉपी कर देना है। जब आप इसमें डायमेंशन दियोगे तो आपको डायमेंशन लेके करना है, क्योंकि ये डायमेंशन लेके करूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए हम फ्री हैंड बनाएंगे। एक सेमी सर्कल है और तो इस प्रकार से ये छायांकित भाग वाला ये यहाँ पर आ गया। इसके बाद आपको कौन सा फेस बना हुआ है, ये वाला भाग। ये वाला फेस कहाँ पर बना हुआ है, जितनी ये हाइट है इसके बिल्कुल जस्ट इसके बाद ये वाला चालू हो रहा है। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये और कहाँ तक मिल रहा है, इस पॉइंट तक, ये वाला पॉइंट ये है। आपको बस क्या करना है, ये वाला पॉइंट मिला देना है। तो ये आपका फेस बन गया, ये पहला फेस है, ये दूसरा फेस है और ये तीसरा फेस मान सकते। तो पहला फेस आपका ये है, दूसरा फेस ये है और तीसरा ये है। अब इसके ऊपर टॉप बनाना है। टॉप बनाने के लिए आपको सबसे बेहतर तरीका क्या होता है कि इसमें प्रोजेक्शन लाइन डाली जाए, बहुत हल्की सी, बहुत ही हल्की सी प्रोजेक्शन लाइन ऐसे ड्रॉ की जाए। इसके बाद आपको देखना ये होता है कि टॉप से फ्रंट के नीचे क्या आना है, टॉप। तो टॉप बिल्कुल ठीक नीचे बनाने के लिए आपको प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ की जाती है। किसी लाइन को आगे ऐसे बढ़ाते हैं, आपको पता ही होगा, स्केल को आधे पे रखते हैं पहले और फिर जितनी आगे आधी स्केल बची होती है उस पर लाइन खींच देते हैं। इसके बाद आपको करना क्या है, जो ये पूरा फेस दिख रहा है, ये वाला नाम डाल देता हूँ ए
और सी, ये बी पूरा, ये वाला फेस जब ऊपर से देखोगे आप तो ये और ये वाला फेस दिखेगा। इसमें कौन कौन सा भाग फेस नहीं दिखेगा? ये वाला भाग। तो आप जब इसे ऊपर से देखोगे, सबसे पहले ये वाला फेस बनाते हैं। इस वाले फेस बनाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, ये कैसे एक रेक्टेंगल शेप का है, तो रेक्टेंगल शेप का लिए बना देंगे इस तरीके से। इसके बाद ये सर्कल है, सिलेंड्रिकल है, होलो सिलेंडर, वो भी सेम आधा है। तो इसको जब ऊपर से देखेंगे तो आपको एक कोई ऐसी कर्व शेप नहीं दिखेगी, आपको ये रेक्टेंगल में दिखेगी इस प्रकार से। जितना इसका डायमीटर है, जितना इसका डायमीटर है उतना ही चौड़ा आपको ये दिखाई देगा। इसके बाद फिर से वही वाला फेस आ गया जैसे कि ये बनाया था, इसके बाद ये आपका ये वाला फेस आ गया। इसके बाद आपको एक ऊपर वाला टेपर से दिखने पर टेपर भाग, टेपर भाग हमेशा याद रखना दो जगह से जरूर दिखता है। एक टेपर भाग ऐसे भी काटते हैं कि जो तीन जगह से दिखेगा, परंतु अभी जो टेपर भाग मिलते हैं ज्यादातर दो जगह से ही दिखते हैं, या तो दो जगह से, साइड से, फ्रंट से, फ्रंट से, या टॉप से, ऐसी जगह से दिखते हैं, तीन जगह से, दो जगह से। इसके बाद आप ये वाला फेस देखना है, ये वाला फेस कैसे है, इस तरीके से। इसके बाद आपको बस ये वाला फेस बनाना है, ये वाला फेस की ये वाली बाउंड्री आपकी बनी हुई है इस प्रकार से, बस आपको ये बाहर की बाउंड्री बनानी होती है, या आपको डायमेंशन दी होगी, आपको बस नॉर्मली बनाना होगा। तो ये आपका फ्रंट बनाया था हमने, और ये आपका टॉप कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हमें साइड भी बनाना है, लेफ्ट हैंड साइड भी। कहाँ बनना है? ये आपके फ्रंट का जो बनाया आपने फ्रंट बनाया है उसके राइट हैंड साइड में, ठीक है, अपोजिट बनता है फर्स्ट एंगल में। इसके बाद आपको ये देखना है कि इधर से देखने पर आपका कौन कौन सा फेस दिखना है। सबसे पहले ये वाला फेस दिखेगा, इसकी जो डायमेंशन होगी बिल्कुल डायरेक्ट आप ऐसे बना देंगे, जितने बाय जितने का होगा आप ऐसे कॉपी कर देंगे। इसके बाद ये वाला टेपर भाग बताया था आपको, टेपर भाग दो जगह से दिख रहा है, ये वाला टेपर भाग ऊपर से टॉप से भी दिख रहा है और साइड से भी दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड से। तो इसको बनाने के लिए आपको क्या है, ये वाला फेस पूरा दिखेगा, फेस दिखने का जितनी ये हाइट होगी उतना आ जाएगा, क्योंकि जो फ्रंट से जो हाइट दिखी है वो साइड से हाइट बढ़ेगी या घटेगी तो यानी उसी के बराबर आपको दिखेगा। तो इस प्रकार से आपका ये टेपर वाला भाग भी आ चुका है। इसके बाद और देख, इधर से देखने पर एक तो ये वाला फेस कंप्लीट हो चुका है, ये वाला फेस कंप्लीट हो चुका है, और अब एक ये वाला फेस भी कंप्लीट होगा। ये वाला फेस कंप्लीट होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितना है ये, जितना भी होगा आगे करके और डाउन तक गया है जितना ये वाली हाइट, तो ये आपका इस तरीके से आगे ये आ गया। अब इसमें मेन चीज क्या है, इसमें एक हिडन लाइन है। हिडन लाइन क्या होती है, जो सर्कल होता है उसकी दो एजेस होती है, यदि पूरा सर्कल होता है दो एजेस आनी थी, यह आधा सर्कल है तो इसकी एक एज, कितना, जितना ये इसकी हाइट गहराई तक है, कितना गहरा है ये, तो ये जितना गहरा होगा आपको उतने ही गहराई पे यहाँ पर है आपके डॉटेड लाइन, क्योंकि यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, जितना हेल्प मैंने यहाँ बनाया था इतने डॉटेड यहाँ पर आ जाएगी। तो इस प्रकार से इसका ये आपका लेफ्ट हैंड साइड व्यू भी कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट एंगल एक का बात जरूर याद रखना, इसमें डायमेंशन आपको जरूर दर्शानी पड़ेगी, क्योंकि आपको डायमेंशन जरूर मिलेगी, आपको डायमेंशन बाद में जरूर लिखना है, और फ्रंट टॉप साइड को लेफ्ट हैंड साइड को जरूर लिखना है। साथ के साथ में आपको बताना भी पड़ेगा कि कौन से एंगल में आपने बनाया है, तो आप लिख दें कि फर्स्ट एंगल में बनाया है, या उसका एक सिंबल बना दें इस प्रकार से कि ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमने बनाया है। और साथ के साथ अपनी शीट के नीचे जरूर लिख दे ऑल डायमेंशन इन एमएम। इससे ये होता क्या है, क्योंकि आप जो भी डायमेंशन लिखोगे उसमें बार बार एमएम लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से इसके सारे के सारे फ्रंट, टॉप और लेफ्ट हैंड साइड भी कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, जरूर इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप इसको बार बार देखते तो आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे बनाना है, और साथ के साथ मेरी और भी वीडियो आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इसीलिए इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को, ताकि उन्हें भी ये हेल्प मिल सके। आईटीआई में आने वाली जितनी भी वीडियो हैं मैं इसमें अपलोड करता रहूँगा चैनल में, इसीलिए आप ध्यान रखें कि आईटीआई जो फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं और जो थर्ड ईयर के बच्चे, सेकेंड ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये हेल्पफुल है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो ये आना ही आना है, 45 नंबर का जरूर आएगा ये, या 35 नंबर का, इन दोनों में से जरूर आता है ये, कि 35 में आएगा 45 में आएगा, और सेकंड में भी ये आपका आ सकता है सेकंड ईयर वालों के लिए। इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।